हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल करियर पॉइंट फॉर यू। और आज के इस वीडियो में हम तीन जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो EY, फोन पे और सेनम की तरफ से आ रही है। ग्रेजुएशन ईयर आपका 90 से लेकर 22 तक होने वाला है और कोई भी ग्रेजुएट चाहे इंजीनियर बैकग्राउंड हो चाहे आपका नॉन इंजीनियर बैकग्राउंड हो अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सारी चीज़ें मैं आपको वन बाय वन बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो और अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि इन फ्यूचर में किसी भी टॉपिक पर कोई भी वीडियो बनाऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ऑलरेडी हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियो अवेलेबल है, चाहे वो ऑफ कैंपस हायरिंग से रिलेटेड हो चाहे किसी भी कंपनी से कोई अपडेट रिलेटेड वीडियो ही क्यों ना हो, तो एक बार आप हमारे चैनल पर गो थ्रू हो सकते हो। आपका जो भी डाउट है किसी भी तरह की, ठीक है, तो वो क्लियर हो जाएगा। अगर आपको कभी पर्टिकुलर कंपनी रिलेटेड डाउट है तो हमारे पास प्लेलिस्ट भी है, उसके अकॉर्डिंग भी आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये तीन अपॉर्चुनिटी होने वाली, फर्स्ट आपकी होने वाली सीमेंस की तरफ से, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं इसको थोड़ा। तो यहाँ पर देखिए, तो ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग यानी कि फ्रेशर्स एलिजिबल है 22 और 23 वाले। लोकेशन आपकी गोवा की होने वाली है और जॉब फैमिली मतलब कि इंजीनियर बैकग्राउंड आपका होना पड़ेगा इसमें, क्योंकि ये बैकग्राउंड इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। और एजुकेशन बैकग्राउंड तो मैंने बता ही दिया, BBTech इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक, और मैट लैब की आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैट लैब आपका पाइथन हो गया, पाइथन का जैसे जुपिटर होता है, ठीक है, उससे रिलेटेड होता है। अगर आपका वीका हो गया तो ये उसी से रिलेटेड मैट लैब भी होता है। अगर आपने कभी मैट लैब में काम किया हुआ तो आपके लिए एडवांटेज हो जाएगा। और अर्ली प्रोफेशनल जैसे मैंने बोला फ्रेशर्स होने ही चाहिए इसमें, ठीक है। तो बाकी आप पढ़ लेना, पढ़ के अप्लाई करना हर एक जितनी भी मैं बताऊंगा। उसके बाद हम आते हैं EY की तरफ से जो होने वाले एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर GDS, और इसकी अप्लाई करने की लास्ट डेट जो आपको होने वाली है 21 फरवरी की। लोकेशन इसकी बेंगलुरु की है, ठीक है। अब रिक्वायरमेंट की बात करें, 60% मिनिमम आपका क्राइटेरिया होना चाहिए, कोई भी बैकलॉग नहीं होनी चाहिए, और आपको जो कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए एंड इनोवेटिव अप्रोच टू द प्रोजेक्ट व्हेन रिक्वायर्ड, ठीक है। ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, बाकी एडिशनल है फुल टाइम ये है, बेंगलोर लोकेशन है, सैलरी डिस्क्लोज नहीं की गई है, ठीक है। तो इसकी लास्ट डेट आप 21 फरवरी अप्लाई जरूर करना। और लास्ट जो होने वाली है, होने वाली फ़ोन पे की, जो होने वाली स्टॉक ब्रोकिंग, ठीक है, बैक ऑफिस सिक्योरिटी सेटलमेंट। तो अब हम आते हैं नीचे रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर। तो यहाँ पर देखते हैं, शुड बी वेल वर्स दैन रिटेल ट्रेड, मतलब ट्रेड वगैरह की आपको नॉलेज होनी चाहिए, और इसके अलावा स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट नॉलेज, जो भी आपको काम दिया जाएगा उसकी नॉलेज होनी चाहिए पहले से भी, ताकि आपके लिए एडवांटेज हो पहले से, ठीक है। और मैनेजिंग द रेगुलेटरी रिपोर्ट रिक्वायरमेंट, तो बाकी देख लेना अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तीनों में से किसी में भी, तो अपॉर्चुनिटी सभी अच्छी है, बाकी आपके ऊपर है, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।